नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल वॉइसटेक वाइन्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी दिवस की। 14 सितंबर ये दिन भारत में हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इसका हमें सम्मान करना चाहिए। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? आखिर क्यों 14 सितंबर ये दिन ही हिंदी दिवस के लिए चुना गया? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आपको इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। ये बात तब की है जब भारत आजादी के आखिरी पड़ाव पर था। साल 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हुआ। तब भारत के सामने कई बड़े सवाल थे। उनमें से एक था कि हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा आखिर कौन सी होनी चाहिए। ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। अब इतनी सारी भाषाओं में से एक को चुनना बड़ा मुश्किल काम था। इसका हल तब मिला जब 6 दिसंबर 1946 में भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। तब संविधान सभा में राष्ट्रभाषा को लेकर बहुत विचार विमर्श हुआ। काफी सोच विचार के बाद संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को आधिकारिक राजभाषा बनाया। ये निर्णय जिस दिन लिया गया वो दिन था 14 सितंबर 1949 का। तब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन को महत्व देने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से लेकर अब तक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, पर इसके बावजूद हिंदी का महत्व दिन ब दिन हमारे देश में कम होता दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में आज अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है, वहीं हिंदी भाषा को महत्व नहीं मिल रहा है। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां केवल उनकी राष्ट्रभाषा में काम को महत्व दिया जाता है, जैसे रूस, चाइना, जापान, जिसके चलते उनकी मातृभाषा का महत्व कम नहीं होता। हमें हमारी मातृभाषा को विलुप्त नहीं होने देना है। हमारी भाषा हमारी पहचान है, हमारे देश का गौरव है। इसलिए आजकल बड़े बड़े नेता विदेशों में जाकर भी हिंदी में भाषण देने को महत्व दे रहे हैं, ताकि हमारी मातृभाषा हिंदी का स्तर पूरे विश्व में बढ़ सके। 14 सितंबर का ये दिन भारत में हिंदी दिवस को सम्मान व महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे यही वजह है कि हिंदी के प्रयोग के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका महत्व पहुंचाया जाए। आज हिंदी से ज्यादा हमारे देश में इंग्लिश को महत्व दिया जा रहा है। इंग्लिश बोलने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, पर क्या ये सही है? इसके बारे में हम सभी को सोचना चाहिए और हिंदी को हमें सम्मान देना चाहिए, हिंदी बोलने पर गर्व करना चाहिए। इस पंक्ति को याद करें, हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा। जय हिंद, जय भारत।